अरे मुगेम्बो भाई, अरे हिंदुस्तान को लूटने के लिए उस घड़ी की जरूरत नहीं है। अगर हिंदुस्तान को लूटना ही है तो हिंदुस्तान के लोगों के बीच में रहो जैसे हम रहते हैं। कॉमनवेल्थ घोटाला, 3G, 2G, सब घोटाले हमने ऐसे ही तो किए। ये जानकर मुगेम्बो खुश हुआ। ये तो तुझ जैसे तुच्छ प्राणियों की जिंदगी का हिस्सा है जीना और मरना। यमराज भी आज मुझे नहीं रोक सकता। मुक्त साले, इसी चेहरे से, इसी जिस्म से मर्दों को फंसाती है ना तू। सब खत्म, आज के बाद सब खत्म। कुछ नहीं कर पाएगी तू, तू कुछ भी नहीं कर पाएगी। साली, लापरवाह हो तुम लोग। कोई चोट खाकर पड़ा है तो लापरवाही, कर्तव्य निभाने में लापरवाही, नियमों का पालन करने में लापरवाही, टैक्स भरने में लापरवाही, वोट डालने में लापरवाही, इस सब की आदत पड़ गई है तुम सबको। छोटी छोटी लापरवाहियां करते हुए एक बड़ी लापरवाही बन जाती है। हेलो फ्रेंड्स, अपनी सारा का सलाम कबूल कीजिए। नए दिन, नए जोश और नए एंटरटेनमेंट से भरे हुए नए एपिसोड के साथ मैं सारा खान हाजिर हूँ लेकर आप सबका फेवरेट शो, जिसे हम कहते हैं बिग फेम स्टार एक्सप्रेस टिकट टू स्टारडम। आज एक बार फिर इस मंच पर दहशत और आतंक नजर आएगा। अपनी खलनायकी भरे परफॉर्मेंसेस से हर कंटेस्टेंट आपको डराएगा और एंटरटेनमेंट की नई दुनिया में ले जाएगा। लेकिन सबसे पहले लेंगे अपने प्यारे प्यारे जजेस का प्यार। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारी बहुत ही हॉट एंड हैपनिंग जज ईशा कोपेकर जी का, और साथ ही हमारे हैंडसम हंक जज वरुण पडोला जी का। हमारा ये पूरा हफ्ता विलन यानी खलनायक थीम पर बेस्ड है, तो बॉलीवुड के सभी खलनायकों को सम्मान में एक बार जोरदार तालियां हो जाए। तो एक बार फिर से हो जाइए तैयार, क्योंकि हमारे आज के पहले कंटेस्टेंट खलनायकी का ऐसा कहर बरसाएंगे कि आप बस देखते रह जाएंगे। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए ईशा जी की टीम से सैयद ममून का। बिग फेम स्टार का टाइटल और उसकी ट्रॉफी ले जाने का सपना शुरू से हम ही देखे हैं, और हमारी ट्रॉफी के बीच में अगर इन 14 के 14 में से कोई बीच में आना तो माँ कसम कहते हैं चीर के रख देंगे। अबे का ऐसे टुकुर टुकुर देख रहे हो बे? जिंदगी में कौनो विलन ना देखा के? अरे माना के हम थोड़े खूबसूरत हैं। हाय 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 हाय, वो तुम कहाँ बच बच के निकल रही हो? अबे क्यों हट जाए, कौनो कांटे लगे हैं क्या हम में? सुना घर पे नई नौटंकी चल रही तुम्हारी शादी की? देखो तुम्हें रानी बनाने का सपना हम ही देखे हैं, और तुम्हारी जिंदगी में अगर कोनो दूसरा राज्य आया ना तो माँ कसम कहते हैं अनर्थ कर डाले। ए बुढ़ाऊ, ये बात अपनी खुपड़िया में घुसड़ ले कि अगर अपनी लौंडिया की शादी कहीं और कराने की कोशिश की ना तो वचन देते हैं कि तुम्हारी लौंडिया को मंडप से उठाकर ले जाएंगे। गेंदा भैया, हाँ वो जो है ना लौंडिया का पिता, उसकी शादी कहीं और कर रहा है। सालम माना नहीं खाते हैं लौंडिया को। निकाल गाड़ी। अबे जल्दी चला, जल्दी 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 पहुंच, शादी हो जाएगी। अबे भगा रिया है चला रिया है, चल चल। क्या भाई मास्टर, हमारे शादी में आते ही तुमने बैंड बाजा काहे बंद कर दिया बे? अबे दिलवाले आए हैं दुल्हनिया ले जाने, बजाओ सालो। वचन वचन दिए थे ना तुम्हें कि तुम्हारी लौंडिया की शादी नहीं होने देंगे, उसे मंडप से उठा के ले जाएंगे, नहीं माने ना? ए साला माला जपे हम और वरमाला डालोगे तुम बारात में आयो का? अगर साला कोई भी बीच में आया ना तो यही जलियांवाला बाग बना देंगे, बता रहे हैं। अरे देखो भैया देखो कौन आए हैं। आप सबकी फरमाइश पे बजरिया थाने से श्री चुलबुल पांडे
सुपर कॉप टिंग टोंग। पांडे तुम जानते हो नाम कौन है? हम बच्चा भैया के भाई हैं, गेंदा। अरे हुकूमत चलती है हमारी शहर पे, यहाँ गवाह भी हम हैं, वकील भी हम हैं और जज भी हम। और तुम जैसे पुलिस वाले हैं ना, हमरे तबेले में भैंसे नहलाते हैं, भैंसे ऐसे ऐसे करके। लगता तुम्हारे पिताजी तुम्हें ठीक ढंग से समझाए ना, गलती हमरी हमरी है सारी। हम थोड़ा नरमी से पेश आए, जब लगाते ना दो चार लप्पड़ तो सही मैसेज पहुंचता तुमको। अबे तुम्हारे पिताजी अपनी जिंदगी के आखिरी दिन गिन रहे हैं, कहे अपनी चिता जलाने का दुख देना चाहते हो? देखो पांडे खुपड़िया अगर सटिया गई तो यहीं छाकी छा डाल देंगे। देखो लौंडिया तो हम ठान लिए हैं कि लेके जाएंगे और तुम्हारे सामने लेके जाएंगे। अब दबा दें घोड़ा। कमाल कर दिया पांडे जी तुमने। अरे दुल्हनिया बिचारी। और ईशा जी जब ये परफॉर्मेंस देख रही थी तब उनके चेहरे पे एक बहुत ही प्यारी सी मुस्कुराहट थी। तान्या आप बैठ सकती हैं। आप बताएं कि वो मुस्कुराहट का राज अब जरा जाहिर कर दीजिए। अनफॉर्चुनेटली बट आई थिंक टुडे फॉर्चुनेटली दबंग 2 मैंने देखी नहीं है, और अच्छा हुआ मैंने नहीं देखी है क्योंकि आपका परफॉर्मेंस एकदम मेरे लिए फ्रेश था। मैंने फर्स्ट टाइम देखा है, मैं नहीं जानती गेंडा भैया है कौन। गेंडा अभी आपको गेंदुराम बुलाने वाला। अच्छा गेंदा गेंडा। अच्छा 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 ससुराल गेंद क्यों GENDA लिखा है? वो गेंडा भी हो सकता, गेंदा भी हो सकता। जी लेकिन आप प्यार से इनका नाम गेंदुराम रखें। गेंदुराम एक तो यार क्या चबा चबा के मजे ले लेके आपने डायलॉग बोले, मजा आ गया। सुपर थैंक यू सो मच ईशा जी। वरुण जी आपसे जानना चाहूंगी, जैसे गुस्से के साथ साथ मतलब बोलते हुए कि इस लड़की को लेके जाएंगे वरना सोले तुम्हारा तुझको ना, कहे अपनी चिता चलाने का देना चाहते हो उन्हें। अब वो भी तुमने इस बार बहुत ज्यादा लाउड कर दिया बेटा, ये शो ऑफ वाला था अच्छा वहाँ बिल्कुल करेक्ट है। इमोशंस को समझिए, मजा आया यार। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जैसे कि आपको पता है बिग फेम स्टार वो मंच है जहाँ बॉलीवुड के अगले सुपरस्टार की खोज हो रही है, इसीलिए हम अपने कंटेस्टेंट्स के हर उस पहलू को बारीकी से देख रहे हैं जो एक सुपरस्टार में होना ही चाहिए। अभी ढेर सारे परफॉर्मेंसेस देखने बाकी हैं, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए बिग फेम स्टार एक्सप्रेस टिकट 2 स्टारडम। एक्सप्रेस टिकट 2 स्टार्ट। जिस तरह से हीरा ढूंढने के लिए कोयले की थान होना जरूरी है, कमल के लिए कीचड़ का होना जरूरी है, बारिश होने के लिए काले बादलों का होना जरूरी है, ठीक उसी तरह नायक बनने के लिए खलनायकों का और खलनायिकाओं का होना जरूरी है। हमारी अगली जोड़ी कुछ ऐसा परफॉर्मेंस दिखाने वाली है जिसके लिए गोली बंदूक या तलवार की जरूरत नहीं पड़ती, उसके लिए तो बस शब्दों के बाण होने चाहिए। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए ईशा जी की टीम से तान्या चोपड़ा का और वरुण जी की टीम से सिमरन अवस्थी का। अभी जो ये थीम मिली इसमें हमें मजा बहुत आने वाला है और हम रिहर्सल के दौरान बहुत मजे कर भी रहे हैं। एक्चुअल में मैं वाकई में बहुत खड़ूस टाइप की सांस बनी हूँ, बहुत ही खड़ूस टाइप की, और ये बहुत ही चोनू बाबू टाइप का बाबू है, यानी मेरी बहू है। लेट्स सी आपको मजा आएगा हम जो करने वाले हैं, और बहुत ही एक्साइटिंग है। एंड आई जस्ट विश कि आपको वो पसंद आए। अरे 1:30 बज गए, खाना मिलेगा कि नहीं आज? बहू, ओ बहू, कहाँ मर गई ससुर? बहू, अरे करम चली कुलटा कुलक्षणी, कहाँ मर गई? जब देखो वही बनाओ श्रृंगार। एक काम ससुरी से कह दो तो मुंह फूल जाता है, करता है मिट्टी का तेल डालकर इसमें आग लगा दूं। जब से मेरे घर आई है पता
पता नहीं कैसा काला जादू कर दिया मेरे बेटे पर, वो भी उसी के सुनता है। क्या करूं कुछ भी समझ में नहीं आता, कुछ तो करना पड़ेगा। माँ जी मैं आ गई। आप कहाँ थे, मैं आप ही को ढूंढ रही थी। मुझे कान से पर लगे हैं तेरी तरह जो इधर उधर उड़ती फिरूं, कहाँ मर गई थी। माँ जी वो मुन्ना भूखा था ना, उसके लिए दूध लेने गई थी। वो डॉक्टर ने कहा है कि उसे गाय का दूध देना है, बस वही लेने चली गई थी। गाय का दूध लेने गई, कब से मेरे पैर फटे जा रहे हैं। ये कौन तेरा बाप दादी का की, तू और तेरी माँ दोनों एक जैसी, एक भी संस्कार नहीं दिया तेरी माँ ने तुझे। माफ कीजिएगा माँ जी, पर मैं कब आपके पैर दबाने को मना करती हूँ। आप कम से कम मेरी माँ को ये सब तो मत कहिए। मेरी माँ को ऐसे मत कहिए, शादी में ढंग की चार साड़ी तेरी माँ ना दे पाई मुझे। और तुम दोनों से कमीना तो तेरा वो निकम्मा बाप, एक नंबर का लुच्चा। भगवान से डरिए माँ जी, आप भी जानती हैं कि बाबा से जो भी बन पड़ा वो सब बाबा ने आपको शादी में दिया है। आज जब वो जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं, आप उनके बारे में ऐसी ऐसी बातें कर रही हैं। निकम्मा है, मर जाए वही अच्छा। जब से मेरे घर आई है से काला साया सा पड़ गया, एक ही लड़का, रोजगार भी छूट गया, सारा दिन नौकरी की तलाश में इधर उधर भटकता रहता, और सब तेरी वजह से। मेरा क्या दोष है माँ जी, ये तो उस ऊपर वाले का खेल है। ऊपर वाले का खेल होता तो तू यहाँ ना बैठी होती। निकम्मी मुझे तो ये ही शक है कि तेरा वो सपोला ना वो मेरा खून नहीं। माँ जी बस कीजिए, हाँ हूँ मैं गरीब घर की लड़की, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मेरी कोई इज्जत नहीं है। मैंने आपके बेटे से प्यार किया, उसी से शादी की, और मेरा बेटा, मेरा मुन्ना आप ही का खून है। माँ जी आप घोर मुझसे जवान लड़ाती है। आने दे आज रवि को, तेरी खाल लव दुड़वाई तो मेरा नाम भी कल्याणी नहीं। पता नहीं, काश कि भगवान ने आपको भी बेटी दी होती माँ जी, तब आप जान पाती कि बेटी कोई बोझ नहीं होती। वो तो जहां भी जाती है ढेरों खुशियां लेके जाती है। आप नहीं समझेंगे माँ जी, आप नहीं समझेंगे। आइए, क्या चमाट मारा है तानिया को, मतलब रख के दिया एक कस के। वरुण जी कैसी लगी आपको परफॉर्मेंस? दोनों एक्टर्स की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। थैंक यू सर। थैंक यू। एक तो चीज जो आज सिमरन तुमने की, फिजिकलिटी अच्छी थी, उसके ऊपर तो अभी तक प्लास्टर सिर्फ उतरा ही है, अभी पूरा ठीक नहीं हुआ है। एंड तानिया तुम भी अच्छी थी, मतलब नॉर्मली ऐसे एक्ट्स में क्या होता है कि आपकी नज़र हमेशा जो थोड़ा लाउड कैरेक्टर होता है उसकी तरफ जाती, लेकिन जो तुम कर रही थी वो उस पर मैं नज़र रखे हुए था पूरी तरीके से। एक्ट एज सच, मतलब 1960 की पिक्चरों में से निकाल कर किया गया था, सो दोनों ने आपने काम बहुत अच्छा किया, गुड। थैंक यू वरुण जी। ईशा जी क्या कहना चाहेंगी? लकड़ी और ककड़ी ने बहुत कमाल कर दिया आज। थैंक यू मैम। सिमरन आई थिंक सो फार योर बेस्ट परफॉर्मेंस। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। हालांकि एंड में थैंक गॉड कि सिमरन आपने एग्जिट ली, और एग्जिट लेने के बाद आपके पास कुछ था तानिया एंड में, क्योंकि एंड में मुझे लगा कि वो जो आप गिर गई चमाट के बाद वो दी एंड ही था, बट जो आपने एंड किया वो आपके परफॉर्मेंस को एक फॉर्चुनेटली एक एड ऑन था, तो आपके और एक परफॉर्मेंस समझ में आ गई, हमें नज़र आ गई। टोटली एन्जॉयबल। थैंक यू। थैंक यू सो मच। ईशा जी की टीम से दो और वरुण जी की टीम से एक कंटेस्टेंट अपनी खलनायकी दिखा चुका है। दोनों टीम्स एक दूसरे से आगे निकलने के लिए अपना पूरा जोर लगा रही हैं। आज ईशा जी की टीम का पलड़ा भारी रहेगा या वरुण जी का,
ये तो ब्रेक के बाद होने वाला अगला परफॉर्मेंस बताएगा। फौरन लौटते हैं, आप देखते रहिए बिग फेम स्टार एक्सप्रेस टिकट 2 स्टारडम। एक्सप्रेस टिकट 2 स्टारडम। कोई भी इंसान जन्म से खलनायक नहीं होता। कई बार परिस्थितियाँ और उससे जन्मी बदले की भावना उसे खलनायक बनने पे मजबूर कर देती हैं। हमारी अगली कंटेस्टेंट की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए ईशा जी की टीम से, आ रही है नेहा अंसारी। जब मैंने सुना कि ये विलन थी मैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और लेकिन जब कंपटीशन तो हैवी है तो डर भी लगा थोड़ा। और मैं चाहती भी थी कि मुझे मिले ऐसा कोई रोल जो अलग हो, लेकिन इस बार मुझे अलग मिला है करने को, तो मैं करूँगी, अच्छा करूँगी, बेस्ट करूँगी। मैं हूँ गॉड मदर और दुनिया मेरे नाम से कांपती है, क्योंकि खून खराबा करना और दहशत फैलाना मेरा काम है। गॉड मदर का मतलब होता है देवी माँ, लेकिन मैं कोई देवी नहीं हूं, मैं एक आम औरत हूं जिसे इन दुनिया वालों ने एक माँ एक औरत से गॉड मदर बना दिया। इन्होंने ये कभी नहीं जानने की कोशिश की कि मैं गॉड मदर कैसे बनी। मेरा भी एक परिवार था, हंसता खेलता, दीवानों की तरह प्यार करने वाला पति और बेटा था, भ्रष्ट सरकारी नेता और उससे भी भ्रष्ट सरकारी नौकरों की घूसखोरी की नीति के कारण मेरा पूरा परिवार तबाह हो गया। बात बस इतनी सी थी कि मेरे खेतों को पानी नहीं मिल रहा था, मेरे पति ने अन्याय के सामने सर झुकाने से इनकार कर दिया और न्याय का दरवाजा खटखटाया, लेकिन न्याय तो दूर, अदालत से उम्मीद भी नहीं मिली। मिली तो सिर्फ तारीख पर तारीख। मेरे दुश्मनों का इससे भी जी नहीं भरा। एक दिन दिन दहाड़े पूरे गांव वालों के सामने मेरे पति को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। अरे उन हरामियों से इससे भी नहीं उन हरामियों का इससे भी मन नहीं भरा। तो मेरे 10 साल के बच्चे को स्कूल से लौटते वक्त मेरे ही खेत के पेड़ पर रस्सी से लटका दिया गया। सब मेरी बर्बादी का तमाशा देख रहे थे। जो औरत अपने पति और बेटे की पिता को अपने हाथों से आग लगाए, उसके पास मरने के सिवा कुछ भी नहीं बचेगा। लेकिन मुझे जीना था, अपने लिए नहीं, अपनी जैसे कई परिवार वालों के लिए, अपनी जैसी कई अपला औरतों के लिए। मैंने अपने पति और बेटे की जलती चिता पर कसम खाई थी कि जब तक उनके हथियारों के खून से अपना सिंदूर नहीं धो लेती, तब तक अपनी मांग का सिंदूर नहीं पोछूंगी। और फिर क्या था, रोटियां सेकने वाले इन हाथों में चिमटे की जगह हथियार उठा लिया और कर डाला उन सब पापियों का संघार जिन्होंने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया था। सब कुछ लोगों ने समझा मैंने शैतानों को मार कर उनका जीवन बचा लिया। फिर क्या था, उन लोगों ने मुझे अब बना दिया मदर गॉड।
क्या बात है नेहा, कमाल कर दिया आपने। ईशा जी, कैसी लगी आपको परफॉर्मेंस? मुझे आपकी पूरी की पूरी परफॉर्मेंस में गलत जगह पॉजेस बिकॉज यू आर फॉरगेटिंग योर डायलॉग्स ऐसे एहसास हुआ। एक फ्लो होना चाहिए लेकिन वो फ्लो टूट रहा है क्योंकि, और आप वहाँ पॉज ले रहे हो क्योंकि आप वो लाइन, वो वर्ड भूल गए हो। काफ़ी जगह हो गया। एंड में मदर गॉड, गॉड मदर, दैट्स फाइन। थोड़ा रिहर्सल ज़्यादा करते आपके लाइंस के साथ तो परफॉर्मेंस में और इम्प्रोवाइजेशन होती और अच्छा होता, क्योंकि आप एक अच्छी परफॉर्मर हो। थैंक यू ईशा जी। वरुण जी, आप क्या कहना चाहेंगे? नेहा, तुम बुरी कभी भी नहीं होती और बुरी तुम आज भी नहीं थी। थोड़ा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो तो बड़ी नीट क्लीन परफॉर्मेंस तो है, बट यही चीज है कि नीट क्लीन तो बहुत सारे लोग करते हैं। कुछ ऐसा करो जो कि मतलब लोग ये कहें कि नहीं, ये अगर ऐसा कुछ देखना है या करवाना है तो ये नेहा ही करेगी, ये और किसी की बस की बात नहीं है। तो थोड़ा अलग खेलो अब, गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। थैंक यू वरुण जी। कोई नहीं, आगे की परफॉर्मेंसेस है कि नहीं? ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। बिग फेम स्टार जैसे जैसे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे दोनों टीम्स के बीच एक मुकाबला और भी ज्यादा कड़ा होता जा रहा है। दोनों टीम्स के कुछ कंटेस्टेंट्स अपनी अदाकारी का जौहर दिखा चुके हैं, लेकिन कुछ और लोगों के खलनायकी का जौहर देखना अभी भी बाकी है। खलनायकी में वरुण जी की टीम बाजी मारेगी या ईशा जी की टीम का जलवा रहेगा, ये तो अगले एपिसोड में बाकी के परफॉर्मेंसेस देखने के बाद ही पता चलेगा। ये देखने के लिए कीजिए अगले एपिसोड का इंतजार। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए बिग फेम स्टार एक्सप्रेस टिकट टू स्टारडम। टेक केयर, बाय बाय।